जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वो भी विनोद के स्टाइल में, जिससे इसके पॉइंट्स को भूलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है विनोद का ट्रिक। चलिए ट्रिक समझते हैं। फर्स्ट टाइम सविता ने पापा को पिज्जा खिलाया। वंस अगेन, फर्स्ट टाइम सविता ने पापा को पिज्जा खिलाया। तो एफ से बनता है फॉर्म यूटिलिटी, टी टाइम यूटिलिटी, एस सर्विस यूटिलिटी, पी प्लेस यूटिलिटी, पी पोजीशन यूटिलिटी, के नॉलेज यूटिलिटी। आइए दोस्तों इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का शेप। जरा सोचिए, आप मार्केट में मोबाइल या कंप्यूटर लेने गए, बट मार्केट में सिर्फ उसके पार्ट्स अवेलेबल है। आपको केक खाने का मन कर रहा है, बट मार्केट में सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो पाओगे? नहीं। तो फॉर्म यूटिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मटेरियल के फिजिकल फॉर्म में इस तरह चेंज किया जाता है जिससे वो कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। इससे उस मटेरियल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वुड से फर्नीचर बनाना, स्टील से बर्तन बनाना, मिट्टी का पॉट बनाना, दिमाग का दही बनाना। उप्स, ये मत लिख के आना। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी तब क्रिएट होती है जब किसी कमोडिटी को एक प्लेस से चेंज कर उसे किसी दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इससे उस कमोडिटी की यूटिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आइए इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है क्रॉप्स। फार्मर अपने क्रॉप्स को विलेज से मार्केट ले जाते हैं बेचने के लिए, प्लेस यूटिलिटी। सेकेंड एग्जाम्पल है कश्मीरी एप्पल। कश्मीर के एप्पल की यूटिलिटी कश्मीर में कम और मुंबई में ज्यादा होती है, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड यूटिलिटी है एटीएम। एटीएम की यूटिलिटी बैंक में कम और हमारे एरिया में ज्यादा होगी। ये हो गया प्लेस यूटिलिटी का थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी तब क्रिएट होती है जब कोई प्रोफेशनल आपको अपनी पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में वो आपसे फीस चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर, टीचर एटसेट्रा। इसके साथ साथ कुछ और भी सर्विसेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, टेलीफोन सर्विसेज एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी तब क्रिएट होती है जब हमें किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाए इसका पूरा नॉलेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से कुछ लोग मोबाइल का यूज सिर्फ गेम खेलने, वीडियो देखने या फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए करते हो, बट जिस दिन आप लोगों ने मोबाइल का प्रॉपर यूज करना सीख लिया उस दिन आप लोगों को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मोबाइल का प्रॉपर यूज करना सीख जाओ। मैं भी अपनी वीडियो और इसकी एडिटिंग मोबाइल से ही करता हूं, इसलिए मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। अब बात कर लेते हैं पोजीशन यूटिलिटी की। पोजीशन यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी गुड्स के ओनरशिप को 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, किसी रद्दी वाले के पास 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है। उस रद्दी वाले के लिए उस टेक्स्ट बुक की यूटिलिटी जीरो होगी, क्योंकि वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। बट अगर आप उस टेक्स्ट बुक को परचेस कर लेते हो तो उस बुक की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बुक आपके लिए यूजफुल है। इसे कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी तब क्रिएट होती है जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का डिमांड सबसे ज्यादा समर सीजन में होता है और इसी सीजन में पेप्सी और कोको कोला जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्शन और एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है क्रॉप्स का। फार्मर अपने क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हैं और जैसे ही स्केयरसिटी आती है वो अपने क्रॉप्स को हायर प्राइस में सेल करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।